अब नहा के कहाँ जाने का प्लान है आप लोगों का? लंच का टाइम हो गया है क्या? और ये बत्तख लोग जा रहे हैं अब खाना खाने, अभी तक स्विम कर रहे थे, अब इनका वॉकिंग करने का टाइम। पूरे झुंड में जा रहे हैं लोग। What's up, lovely people? आज इंट्रो थोड़ा अलग तरह से हम कर रहे हैं और आए हैं कहाँ पे? संजय लेक। ये है मयूर विहार में, मयूर विहार पार्ट वन। यूडी जो एडवेंचर आइलैंड है, एडवेंचर पार्क है, उसके जस्ट बगल में। वहाँ पे हम पहले जाने वाले थे तो हुआ ये कि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं किया उन्होंने जाने के लिए। तो आपको तो पता ही है बिना कैमरे के तो हम जाएंगे नहीं अंदर, बिना कैमरे के हमारा जाना व्यर्थ है। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन और कोई भी दिक्कतें ना आए। तो हम यहाँ आ गए, उसके जस्ट बगल में ही है लेक है, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो DW क्या कहना चाहेंगी आप? और इसके अलावा इनको कुछ नहीं कहना है। इसका एक ये भी अच्छा है कि इसमें कोई टिकट वगैरह नहीं है, कुछ भी एंट्री चार्ज वगैरह नहीं है, कोई कंडीशंस वगैरह नहीं है। तो आप आओ, इन्जॉय करो, मज़े करो, चिल करो, फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ, डोंट उड़ाओ जो मन करे करो। DWG की हालत ख़राब है लेकिन अब कुछ बोल नहीं रही हैं। इनको लगा था हम कोई अच्छी जगह चलेंगे लेकिन हम आ गए हैं एकदम नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल वातावरण। जो भी 34-35 डिग्री है दिल्ली का टेम्परेचर, उसमें हम चिल कर रहे हैं। ये आई थी खूब मेकअप वगैरह करके, इनका सारा जो है मेकअप बह चुका है इस वक्त। और अगर आपको आना हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो आइए, मज़े कर सकते हैं, काफ़ी शांत और एकांत वातावरण है यहाँ का। ये झील हमें याद दिला रही है रोहतक में भी एक ऐसी तिलियार झील थी। जब मैं रोहतक में था तो हम लोग भी वहाँ जाया करते थे घूमने के लिए। ये झूले हैं या जिम की मशीन्स वगैरह लग रही हैं मुझे तो। ये एक बज के 40 मिनट हो रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन DW की हालत ख़राब हो चुकी है। अब इनका ये कहना है कि घर चलो। चलो चलो एसी में चलो, एसी में चलो भैया, जल्दी जल्दी चलो एसी में। इसीलिए मैं इनके साथ नहीं आता हूँ। आप लोग पूछते हो ना आप अकेले क्यों घूमते हो, यही रीज़न है। अच्छा मुझे पानी तो पिला दो। बगल में झील है उसमें डुबकी मार लो, पानी पी लो। क्या सपने दिखाए हैं? मुझे गोवा ले जाएंगे, मेरे लिए गोल्ड की चेन खरीदेंगे। देखिए दोस्तों ये सब होता है लॉलीपॉप, जब आपकी शादी हो जाती है तब बीबियों को लॉलीपॉप देना चाहिए ताकि उन्हें हमेशा ये लगता रहे कि हाँ मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा, एक अट्रैक्शन बना रहना चाहिए। तो याद रखिए अगर आप लोगों की शादी जब तक नहीं हो रही है तब तक तो ठीक है, आप पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शादीशुदा हो चुके हैं तो ये सब पैसा वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आराम से जियो, पैसा बचाओ, अपने ऊपर खर्च करो यार। तो दोस्तों आप लोग पूछते रहते हैं ना कि वाटर पार्क में मैं कौन सा मोबाइल ले जाता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ, मेरा मोबाइल गीला क्यों नहीं होता? तो दोस्तों ये है वो कैमरा, ये मैंने हमेशा आपको बताया कि एक एक्शन कैम है, SG Cam 7 Star। तो मैं जब भी कोई वाटर पार्क की वीडियो बनाता हूँ तो मैं इसी से बनाता हूँ। तो पानी में ले जाने से फ़ायदा ये है इसके अंदर पानी नहीं आता है और सारी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी Full HD रिकॉर्डिंग हो जाती है। पार्क में बैठ के काफ़ी अच्छा लगा, फ्रेश एयर और ताजगी भरी अनुभूति हो रही है, मुझे तो हो रही है भाई, दूसरे लोगों को पता नहीं। खिलाड़ी लोग जो है क्रिकेट का आनंद दे रहे हैं। भाई अपने कोई इंटरेस्ट नहीं है ना क्रिकेट खेलने का और ना ही क्रिकेट देखने का, तो हम चल रहे हैं कुछ खाने के लिए। मैडम को लग रही है इस वक्त भूख, यहाँ कहीं कुछ खाने पीने का और कोई स्रोत है नहीं तो हमें बाहर ही निकलना पड़ेगा और वहीं जाके पेट पूजा होगी अपनी। और ये शॉट को दिल्ली ज़ू दिखाते हैं एक नए नज़रिए से और मेरे अंदाज में देखना उसको। नहीं नहीं अरे ये तो कोई सारे बैठे हुए हैं। ओह माय गॉड,
तो बत्तख लोगों के आराम करने का वक्त है दोस्तों, तो इनको आराम करने देना चाहिए, इसीलिए मैंने ज़्यादा शोर शराबा और ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं किया। इसका लोकेशन मैं आपको गूगल मैप का जो लिंक है वो प्रोवाइड करा दूंगा, तो अगर आप आना चाहते हैं, अभी तो खैर थोड़ी सी गर्मी है, वैसे अगर आप नेचर का मजा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। मेन एंट्रेंस इसका यहीं से है। A few moments later. तो दोस्तों हम यहाँ पर आ गए हैं लक्ष्मी नगर के बीटीएस मॉल में। एक्चुअली हम गए थे सर्कस देखने के लिए, तो वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, तो आप तो जानते हैं जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होगा वहाँ मेरे जाने का कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं। हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ खाए पियेंगे, थोड़ा एसी के अंदर इन्जॉय करेंगे। ये बीटीएस मॉल है लक्ष्मी नगर में, ये बेसिकली फेमस है कपल्स के लिए। जो नए पंछी हैं वो चिपके हुए मिलेंगे यहाँ पर, और हो सकता है गुटर गू भी कर रहे हों, तो अगर आप लोगों को देखने का इंटरेस्ट है तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों पता नहीं कैसा मॉल है, साला एसी नहीं चल रहा है यहाँ पर, हद हो गई है लक्ष्मी नगर के मॉल में, ये हालत है डिस्गस्टिंग।